ग्लेनमार्क गिरता ही जा रहा है, तो क्या भाई ये खराब स्टॉक हो गया? देखो ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक है, फार्मा सेक्टर ही भाई नीचे गिर रहा है, तो भाई ग्लेनमार्क क्या नहीं गिरेगा? डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और वो फार्मा, इतनी इतनी गिरावट इनमें आई तो ग्लेनमार्क में भी आएगी भाई। ग्लेनमार्क कोई अलग अनोखा थोड़ी ना है, तो गिरावट आ रही है ग्लेनमार्क में, तो क्या करें? तो क्या करना, क्या ऊपर के प्राइस में फंसे हो तो भाई देखो लॉस दिख रहा होगा, मुझे पता है लॉस दिखता है, तो भाई आपको ऐसा लग रहा हो क्या कर लूँ अब, क्या लॉस बुक कर लूँ? तो लॉस बुक बुक करने की जरूरत नहीं है, ग्लेनमार्क में टाइम लग सकता है, पर भाई स्टॉक में ऐसी कोई ख़राबी नहीं दिखती मुझे ग्लेनमार्क में। आपको क्या करना है, आप यहाँ पर 530 रुपये के आसपास एवरेजिंग कर सकते हैं अगर आता है किसी सिनेरियो में, और उससे नीचे इसका एक सपोर्ट और आता है 450 रुपये का आसपास, वहाँ तो जाता मुझे दिखता नहीं है, लेकिन आपको तैयार फिर भी रहना, प्रिपरेशन पहले से करनी है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। मान लो अगर ये किसी भी और बस सिनेरियो आ गया, कोई इसमें खबर आ गई और ये चला ही गया 450, तो आपके पास एक जवाब होना चाहिए खुद से कि मैं 450 पे क्या करूँगा, मैं इसमें और ऐड करूँगा या मैं भाई लॉस बुक कर लूँगा। तो अगर जवाब मिलता है आपको कि मैं और ऐड करूँगा, तब यहाँ पे डिप लगा सकते हैं, एक डिप और एक डिप यहाँ पे लगा सकते हैं, जो मैंने दोनों लेवल बताए हैं, और ऊपर के प्राइस फंसे हैं तो यहाँ पर एवरेजिंग की जा सकती है, जो मैंने पहले वाला लेवल बताया, और नीचे जाएगा तो और कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है। बिजनेस इनका अच्छा है, अच्छी फार्मा कंपनी है, ऑल दो फार्मा कंपनियाँ इतनी हैं, तो ऐसा आपको चॉइस करना पड़ेगा। बाकी अभी कंसोलिडेशन हो सकता है फार्मा सेक्टर में, काफ़ी भाई रनअप किया है पिछले जो कोविड के बाद से, तो कंसोलिडेशन एक बनना है, एक गिरावट भी इसलिए फार्मा सेक्टर में चल रही है, तो आपके पास पेशेंस है तो भाई इसमें कर सकते हैं, पेशेंस नहीं है तो भाई अवॉइड करें फार्मा सेक्टर के स्टॉक को। RSI देखोगे तो यहाँ 24 की तो वीक है, यहाँ भी भाई दोनों लाइन को इंसाइड कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। तो देखो मैंने अपना व्यू बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं, और बाकी चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।